हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगाह है, हमी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। सुबह नाहद पानी दी खड़ा हुआ और नमाज पढ़ने के बाद सीधा हमें दोस्तों को हमी शादी की आने वाली तारीख पर घर रखे कार्यक्रम और शामिल होने का न्योता दोपहर 3 बजे का देकर आया था। उसे नहीं पता कि उसकी शादी की तारीख जैसा खलीफा शुक्रवार को लेकर आया है उसे वह सुनना भी नसीब नहीं होगी। इधर खलीफा जजमान नाहद की शादी 12 नवंबर को बारात लेकर आने की तारीख सुना रहा था तो दूसरे पल लोगों ने ही उसे दूल्हे की मौत की खबर सुना दी। उसी का एक दोस्त उसकी खुशियों के लिए उन सब के घर और तैयारियां कराने और जुटा था। उसे भी नहीं पता था कि उसका दोस्त उसे आखिरी बार मिलकर गया है। हमी शादी की तारीख सुनना भी नसीब नहीं हुआ नाहद को। दिल्ली अलवर हाईवे पर शुक्रवार दोपहर बाद नाहद की गाड़ी संतुलन खो बैठी और उन सबके दो अन्य दोस्तों के अलावा तीनों दोस्तों की मौत हो गई। नाहद मेवात के गंडूरी नगीना करने वाला था। वह दिल्ली के BSc DMLT का कोर्स एक कॉलेज से कर रहा था। खलीफा ने एक पल सुनाई 12 नवंबर तो दूसरे पल सुना मौत हो गई। नाहद हमें 7 बहन भाइयों और 6 नंबर का था। कुछ पहले ही उसकी सगाई फरीदाबाद के गांव मादलपुर बल्लभगढ़ और 3 महीने पहले हुई थी। उन सबके पिता अब्दुल हकुर्फ इस्लाम खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसकी 2 बहनें हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। दोस्तों को शादी की तारीख सुनने के लिए बुलाने गया था। गंडूरी गांव के नफीस अहमद नाहद के साथ एक ही कोर्स कर रहा है। उसने बताया कि मेरे दोस्त जैसा ईमानदार मेहनती और होनहार लड़का मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी बहन शाहिना व शाहिदा का रो रो कर बुरा हाल है। वह बताती है कि ऐसा भाई हर किसी बहन को नसीब हो लेकिन वह बीच मझधार और छोड़कर ना जाए। आज हमसे खुदा यह कहता कि कुछ भी मांग लो तो हम केवल एक भाई नाहद ही मांगते। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।